बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GM न्यूज़। बोंगड़ी दो के मरूफ जमींदार और समाजी शख्सियत रईस सफदर महमूद का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है, जिनका नमाज जनाजा मरूफ आलम दीन मौलाना अब्दुल गफूर ने पढ़ाई। इनके नमाज जनाजा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPS और सरदार रईस नबील अहमद के अलावा इलाके के मौजिन और हर मकतबा फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रईस सफदर महमूद की वफात से इलाका एक दर्द दिल रखने वाले अजीम शख्स से महरूम हो गया है। इनके इंतकाल पर मिलाल पर हर आंख अश्क बार थी। इस मौका पर मौलाना अब्दुल गफूर ने दर्श देते हुए कहा है कि ये जिंदगी आर्जी है, इंसान का असल मकाम और ठिकाना इसकी कब्र है। इंसान ने इस दुनिया से सवाए इमाल नामे के कुछ भी नहीं लेकर जाना। इंसान को चाहिए कि हुकूक अल्लाह के अलावा हुकूक इबाद को भी जोर दें। रिपोर्ट अब्दुल हमीद रहीम यार खान।